हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टुगेदर। आज है क्लास नंबर 15, जिसमें हम पढ़ेंगे अपभ्रंश शैली। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, यूके टीजीटी, पीजीटी, यूके टीजीटी, आरपीएससी स्कूल टीचर, जीआईसी और आर्मी स्कूल के लिए। आज क्लास नंबर 15 है। इससे पहले 14 क्लासेस हो चुकी हैं। आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके नोट्स बनाते चलें, ये आपको हेल्प करेगा रिटेन करने में, याद करने में। आज हम स्टार्ट करते हैं अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली को 750 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। प्रारंभ में इस शैली के चित्रों को जैन शैली कहा गया। फिर इसी प्रकार के चित्र मालवा, राजस्थान और गुजरात में दूसरे संप्रदायों के ग्रंथ में भी व्यापक से पाए गए, तो उनके निश्चित नामकरण की समस्या उठ खड़ी हुई। इसलिए इस शैली को गुजरात शैली या पश्चिम भारतीय शैली कहा जाना उपयुक्त समझा। यानी जब चित्र और जगह भी पाए जाने लगे, तो पहले इसे अपभ्रंश शैली का नाम दिया गया था, लेकिन फिर पहले इसे जैन शैली का नाम दिया गया था, लेकिन फिर इसके चित्र और जगह पाए जाने लगे, डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे थे, तो इसको फिर बाद में अपभ्रंश शैली का नाम दिया, या गुजराती शैली बोला या पश्चिमी भारतीय शैली कहा जाना उपयुक्त समझा। किंतु डॉक्टर मूर्ति चंद्र का कहना था कि क्योंकि इस शैली के चित्र पश्चिम भारत के अतिरिक्त भारत के अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध हैं, अतः इसको पश्चिमी नाम थोपना उपयुक्त नहीं है। यानी किसका कहना था? डॉक्टर मोती चंद का कहना यह था कि अन्य स्थानों पर भी इसका देखा गया है, तो इसको पश्चिमी नाम थोपना उपयुक्त नहीं है। श्री राय कृष्ण दास जी ने इस शैली के चित्रों को अपभ्रंश शैली के नाम से कहना अधिक उपयुक्त समझा है। भारतीय साहित्य में भी इस कला प्राकृत भाषाओं की रचना का कला माना जाता है। इसमें पिंगल, डिंगल लोक भाषाओं में वीर काव्य की रचना हुई है। किसमें हुई है? पिंगल डिंगल लोक भाषाओं में वीर काव्य की रचना हुई है, और इसके फलस्वरूप इस काल को साहित्य में वीर गाथा काल, चरण काल, अपभ्रंश काल के नाम से पुकारा गया है। तो इसका नाम अपभ्रंश और वीर गाथा काल
और चरण काल। क्वेश्चन ये आ सकता है, ब्रज का दूसरा नाम क्या, किस नाम से पुकारा जाता है? तो वीर गाथा भी होगा और चरण काल भी होगा। और राजपूत योद्धाओं ने मुसलमानों से अपने देश को बचाने के लिए अपना सौम्य और शांत रूप, त्यागा और विकराल महाकाल रूप धारण किया, और इसी प्रकार सभी और प्राचीन मान्यताएं भ्रष्ट हुई। यही पतन कला और साहित्य में भी हुआ, अथा इस अपभ्रंश शब्द से इस कला की समस्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी परिलक्षित हो जाती है, क्योंकि ये शैली अपनी मूल विशेषताओं को खो चुकी है और अजंता का भ्रष्ट रूप प्रतीत होती है। इस कारण इस शैली का नाम अपभ्रंश उपयुक्त है। अपभ्रंश नाम के अंतर्गत एलोरा के 10वीं 11वीं शताब्दी के चित्र पाल शैली तथा जैन शैली सबको रखा जा सकता है। अपभ्रंश शैली ग्रामीण शैली या ग्राम्य शैली, जैन शैली, गुजराती या पश्चिमी भारतीय शैली के तीन रूपों में चित्र उपलब्ध है। कितने रूप में चित्र उपलब्ध है? तीन रूप में। पहला आता है ताड़ पत्र पर बने पोथी चित्र, ताड़ पत्र पर। दूसरा आता है कागज पर बने पोथी चित्र या फुटकर चित्र, दूसरे बने थे कागज पर। तीसरा आता है कपड़े पर बने पट चित्र, तीसरे किस पे बने? कपड़े पे बने थे। अपभ्रंश और जैन दोनों शैलियों के सार्थक नामकरण के संदर्भ में 1451 ईस्वी का वसंत विलास, गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, दुर्ग सप्तशती और रति रहस्य आदि पोथियों में प्राप्त है। सातवीं शताब्दी में ही गुजरात मारवाड़ में इस शैली के चित्रों का निर्माण होने लगा था और अपभ्रंश शैली का जन्म भी यही हुआ। मध्य प्रदेश के भी अपभ्रंश शैली के कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। इस सबसे पहले अहमदाबाद के श्री सारा भाई मणिकलाल ने चित्रकल्पद्रुमा कल्पसूत्र नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया है, जिसमें अपभ्रंश शैली के सादे व रंगीन सैकड़ों चित्र हैं। कौन सा ग्रंथ प्रकाशित किया था? कल्पसूत्र। इसमें अपभ्रंश शैली के सैकड़ों दृश्य हैं, सैकड़ों दृश्य या सैकड़ों चित्र हैं, जौनपुर से उपलब्ध हुआ और इसका लिपि काल 1465 ईस्वी माना जाता है। तो ये कहाँ से हुआ था? जौनपुर से प्रकाशित हुआ, और इसका टाइम माना जाता है ईयर 1451 ईस्वी।
इस शैली में कागज पर निर्मित ग्रंथ चित्र और स्फुट चित्र भी बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं, जिनमें कल्पसूत्र की अन्य दो प्रतियां हैं, जिनमें से एक प्रति तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में और दूसरी लुम्बिनी के सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास है, जिसका लिपि काल 1415 ईस्वी है। ये 1451 ईस्वी होगा। फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी इस समय यूपी टीजीटी में वैकेंसी निकली हुई है आर्ट्स में 148। नोट्स प्रिपेयर करते चले साथ में। कल्पसूत्र की अन्य तीसरी प्रति जौनपुर की है, जो स्वर अक्षरों में लिखी गई है। कल्पसूत्र की तीसरी प्रति जौनपुर में स्वर अक्षरों से लिखी गई थी, स्वर अक्षरों से लिखी गई। इस समय बड़ौदा के नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। यह उत्तम प्रति 1467 ईस्वी में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शार्की के शासनकाल में चित्रित की गई थी। कल्पसूत्र की एक अन्य चौथी प्रति अहमदाबाद निवासी मुनि दया विजयी के संग्रह में सुरक्षित है। यह प्रति 15वीं शताब्दी के उद्धृत में तैयार की गई और यह भी स्वर अक्षरों में लिखी गई है। इसमें जो चित्र बने हैं वह अभ्रंश शैली के उत्कृष्ट चित्रों में से हैं। इसी प्रकार बॉस्टन संग्रहालय में कागज पर लिखी हुई तथा गुजरात के श्री भोगालाल जी के संग्रह में सुरक्षित बाल गोपाल स्तुति, कौन सी बाल गोपाल स्तुति, और बड़ौदा के प्रोफेसर मंजू लाल मजूमदार के निजी पुस्तकालय में प्राप्त दुर्ग सप्तशती की पोथियां उल्लेखनीय है। किसकी? दुर्ग सप्तशती की। दुर्ग सप्तशती पोथियां उल्लेखनीय है। श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अभ्रंश शैली के ताड़पत्रीय ग्रंथ चित्रों में अंग सूत्र ओधनियुक्ति आदि उल्लेखनीय है। इन सचित्र चित्र पोथियों का लिपि काल 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ये सभी पोथियां आज भारत के बड़ौदा, पटना, खामत, अहमदाबाद तथा जैसलमेर के निजी ग्रंथगारों तथा अमेरिका में बॉस्टन संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अभ्रंश शैली के चित्र ज्यादातर चमकदार और ऊष्म रंगों का प्रयोग किया गया है। महावीर की आकृति में
रंग। पीला पर्षभनाथ की आकृति में नीला रंग, नेमिनाथ की आकृति में काला रंग और ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम रंग प्रयोग हुआ है। यानी अभ्रंश शैली के जो तीर्थकार हैं, उनकी में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे महावीर की में पीले रंग दिखाया गया है, पार्श्वनाथ के शरीर पर नीला रंग दिखाया गया है और ऋषभनाथ के शरीर पर स्वर्णिम रंग दिखाया गया है। स्वर्णिम रंग दिखाया गया है और नेमिनाथ के शरीर पर काला रंग से दर्शाया गया है। जोधपुर के किसी ज्ञान भंडार से प्राप्त देवब्रह्म सूरी कृत पांडव चरित नामक महाकाव्य जो 15वीं शताब्दी में लिखा गया के आदि तथा अंत के पत्तों में बने चार चित्रों को भी अभ्रंश शैली का माना गया है, का माना गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें बस इतना ही अभ्रंश शैली में, इसके आप नोट्स प्रिपेयर कर लें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग हियर टुगेदर।